साथी जी कहण की जिदा अपने प्रधान साहब ने कहा भी कहण की लोड़ ना पवे जिदा अपना 13 तरीक न गेट बंद आ तो गेट बंद आ समझ लो बंद आ फिर जिथे कोई गड्डी जिहड़ी हैगी आ जिथे हैगी आ खड़ा के ते अपना आ जाओ संघर्ष दे विच जिन्ना वध झटका 13 तरीक न 2 घंटे का इन्हों लगेगा मैं लगता उस झटके के नाल ही तुहाडे नाल मीटिंग जिहड़ी आ ओह कर लैणगे। मेरा नाम हरकेश विखी है जी, पणबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्क यूनियन का मैं सूबे अमित प्रधान है। जिहड़ा अज साडा प्रोग्राम है ये साडा मेन है तनखा ते, क्योंकि अज 11 तरीक हो गई तनखा नहीं आई हैगी। सरकार जदों सत्ता च आई सी तां सानूं बड़ियां उम्मीदां सी, पर 3 मंथ हो गए जिहड़ी साडी सैलरी है ये तकरीबन 18-20 तरीक ते पैरी है। इतिहास दे विच कदे नहीं होया, कांग्रेस की सरकार भी रही है, अकाली दल की भी सरकार रही है, पर पता नहीं मैनेजमेंट का रवैया गलत है, पता नहीं सरकार दी जिहड़ी नीतियां लेके सरकार आ रही है वो माड़ियां। सो असी मैनेजमेंट नूं अज दी गेट रैली तो सरकार नूं यह चैलेंज करते हैं जिहड़ी साडी सैलरी है वो 5 तरीक तक होनी चाहिए है, जेकर नहीं आऊगी तो जिहड़ा साडा धरने करन दा प्रोटेस्ट है जो होर संघर्षां दा वो असी करांगे करांगे, जिहदे नाल आम पब्लिक नूं भी नुकसान होगा ते साडी PRTC अदारे का भी नुकसान है, पर साडी मजबूरी है। हाँ जी हाँ जी, ये साढ़े कनैक्टर ड्राइवर साडा वर्क साहब स्टाफ हो गया ते साडे एडवांस बुकिंग वाले साथी हो गए ते है सारे ये कॉन्ट्रैक्ट के आउटसोर्सिंग वाले साथी। जेकर सरकार टाइम से नहीं सैलरी बंद करती की थोड़े वालों प्रोटेस्ट करेगा? देखो जी जेकर जे देखो बड़ी हासोहीनी गल है, ये एक पासे तो मंत्री जी का बयान आ रहा है भी जी PRTC का अदारा तो पंजाब रोडवेज का अदारा ये बहुत तरक्की वाल आ, बुकिंग बहुत ज़्यादा आ, इनकम बहुत ज़्यादा कर रही ने गड्डिया। एक पासे साढ़े जेडे असी कच्चे दिन रात मरते हैं 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, असी तनखा पिछे डिपू बंद करके अपना काम छड़ के गेट रैलियां धरने कर लगे तो फिर सरकार की जी मंशा है कितने ना कि सानू तो विश्वास नहीं है। आने वाले समय के जेकर सरकार अज साडी गेट रैली है 13 तरीक को असं 2 घंटे जो बस स्टैंड बंद का प्रोग्राम है वो करा तो नाल दी नाल एक सरकार होर नीति लैके आई है साढ़े डिपार्टमेंट के किलोमीटर गड्डिया ने जिहड़ियां ये पाउण जा रही है, जिसका साडी जथेबंदी वालों तो आजाद जथेबंदी वालों पूर्ण तौर पर विरोध किया गया। 9 तरीक की साडी सूबा कमेटी की मीटिंग सी लुधियाने, उहदे विच असीं फैसला लिया भी जिहड़ा भी सातों विरोध होया जो भी संभव होया असी वो विरोध करांगे, चाहे वह रोग जिहड़े मेन रोड ने मार्ग ने वो बंद करने हो, चाहे हड़ताल करनी पवे आने वाले भविख्य के चाहे मुख्यमंत्री के शहर का करो। टाइमिंग कोई थोड़ी पाबंदी नहीं कि टाइम किस टाइम आना किस टाइम जाना? अपना शुभ नाम? मेरा नाम बब्बू शर्मा जी, PRTC वर्कर यूनियन आजाद तो, पनबस पंजाब रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन PRTC, असं दोनों जथेबंदियां एक प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं जी। तो जी किलोमीटर बसों बारे विक्की बाई जी ने दस्या पहला वो साड़ी PRTC वास्ते साड़ी कारपोरेशन वास्ते बहुत हानिकारक ने, तो ड्राइवर कनैक्टर तो 500-600 किलोमीटर कराए जाते हैं। सैलरी थोड़ी टाइम पर आ रही? सैलरी बिल्कुल टाइम पर नहीं मिल रही जी, घट्टो घट आई बार आई महीने जो सैलरी का टाइम लंघ जाता है संघर्ष करना पैंता, गेट रैलियां करनी पैदा ने, हरासमेंट होना असी जी। आजाद यूनियन वालों मानयोग हाई कोर्ट तो केस जित चुके हैं ड्यूटियां के संबंध के 2014 के साथियों को डिसमिस कर दिता गया दी भारत सरकार वालों, तो मानयोग हाई कोर्ट का फैसला होने तो बाद PRTC कारपोरेशन वालों कुछ अनलीगल शर्त रखी गई ने एफीडेविट के जिहड़ियां सानू मंजूर ने। एक तो पहली शर्त है जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट वालों हाई कोर्ट वालों स्टेटस को है, साडे वर्करां नूं तनखाह घट दित्ती जा रही है, साडे जिहड़े साथी ने कई साथियों नूं तनखाह होर तरीके नाल दित्ती जा रही है 25-30 हज़ार रुपया, उन्हां नूं 10-12 हज़ार तनखाह दित्ती जा रही है। एक मान सरकार जे बजट पास करे 2022 दे कहिंदे 36-37 हज़ार मुलाजम कच्चे नूं पक्का कर जाएगा, उह सुणन विच इह आया जी भी कारपोरेशन PRTC जां पंजाब रोडवेज दा कोई भी वर्कर उहदे विच नहीं आउंदा, शामिल नहीं कराया, उह शामिल नहीं कीता गया। इह गल दा भी रोस आ साडे वर्करां नूं, क्योंकि असी भी इक अदारे दे विच कारपोरेशन दे ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੱਗੀ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਨਲੀਗਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ
संघर्ष ने साडे वो होर भी तिखे किए जाएंगे, जिमें साडी सेंटर दी जिहड़ी साडी जथेबंदी है पंजाब दी जथेबंदी है जो भी उहदे वल्लों सानूं हुक्म किया जाऊगा असीं उहते पूर्ण तौर पर जिते भी कोई प्रोटेस्ट होगी उहदी तैयारी करांगे।